मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चर्चा में हैं। एक बार फिर मामले पर सुनवाई हो रही है। फैसले के बाद केस में अब नया मोड़ देखने को मिलेगा। दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है। दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है। केजरीवाल के वकील का कहना है कि वह एक मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकी नहीं। पिछले कई महीने से वो जेल में हैं, लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। जैसे ही ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दी, उसके तुरंत बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि इस मामले में सीएम केजरीवाल ने जमानत के लिए निजी अदालत में याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई बुधवार के लिए तय की। खैर, सीएम के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी और केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया। उसी के बाद ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। ट्रायल कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक था। केजरीवाल कहीं भाग नहीं रहे और उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अंतरिम जमानत दे दी थी। अगर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता खुल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे अवैध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को देखने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया, साथ ही उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। केजरीवाल के तरफ से पेश हुए वकील सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह पेश हुए। अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मामले में आज अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखेगा। सिंघवी ने अपने दलील में कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है। उसे ये लगा कि ईडी मामले में वह जेल से बाहर आ सकते हैं, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। आज मैं अदालत में सीबीआई के मामले में केजरीवाल की जमानत की मांग कर रहा हूँ, जबकि ये पीएमएलए का मामला भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को रिहा होना चाहिए, वह इसके हकदार हैं, उनके देश छोड़कर जाने का खतरा नहीं है। सिंघवी ने अपने दलील में कहा कि 2 साल पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल 2023 को केजरीवाल को समन मिला, लेकिन वह गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल 2023 को उनके 9 घंटे पूछताछ हुई। 21 मार्च 2024 को पहले सीबीआई ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने 1 साल तक कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी। वह 2 जून को वापस तिहाड़ जेल गए। सीबीआई की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि ईडी मामले में निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। उसके बाद उन्हें वैकेशन जज के समक्ष पेश किया गया। 26 जून को सीबीआई एक्टिव हुई और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुझे एक बार फिर अंतरिम जमानत दी, लेकिन सीबीआई के इस इंश्योरेंस अरेस्ट की वजह से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके। मकसद किसी भी तरह से उनको जेल में रखना है। 2 साल के बाद अचानक सीबीआई उनकी गिरफ्तारी करती है। उन्होंने कहा सीबीआई ये नहीं बता पाई कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की गई। इस मामले में कानून के नियम का उल्लंघन हुआ है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं। उन्हें जमानत न मिले, ईडी के मामले में निचली अदालत ने मुझे जमानत दी थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 25 जून को एक अर्जी दाखिल की गई। पूरी अर्जी में सिर्फ एक आधार था, जिसे लेकर निचली अदालत ने सीबीआई को गिरफ्तारी की अनुमति दी। आर्टिकल 21 और 22 की इस मामले में अनदेखी हुई है। गिरफ्तार का केवल एक आधार बताया गया है, वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। videodex@amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।